वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू जी बच्चों, प्लेसेंटा नर्सिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। बेटा ध्यान से समझिए, हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर जब हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के बारे में बात करते हैं तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में एक बात आती है कि जिस पर्सन को चार सिस्टम पर बहुत अच्छा कमांड होता है वो पर्सन जीत जाता है, जिनमें पहला सिस्टम होता है आपके सामने GIT, दूसरा होता है हिमेटोलॉजी, थर्ड नंबर पे आपके सामने सिस्टम आता है रीनल सिस्टम, फोर्थ नंबर पे आपके सामने सिस्टम आता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इन चार सिस्टम पर जिनका कमांड होता है वो बहुत अच्छा एक MSN का धुरंधर होता है। यस, तो हम जब बात करते हैं तो हमने आपको हमारे GIT आपको सुनील सर पढ़ा के गए हैं, रीनल सिस्टम आपको हमारे याद है ना विनोद गर्ग सर पढ़ा के गए हैं, बनेश जैन सर आपको नर्वस सिस्टम पढ़ाएंगे और बाकी का तो मैं हूं ही आपके सामने। यस, इंपॉर्टेंट वर्ड, मैंने आपको बर्न भी एक अच्छे लेवल पे सिखाया है, वुंड भी मैंने एक अच्छे लेवल पे सिखाया है, मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी मैंने आपको अच्छे लेवल पे सिखाया है, मैंने मोस्ट ऑफ टॉपिक्स आपको दिए हैं जो MSN के अंदर होते हैं हर लेवल पे, अच्छे लेवल पे। आज एक हम ऐसे सिस्टम की बात कर रहे हैं, आज हम एक ऐसे सिस्टम के बारे में बात करेंगे जिस सिस्टम का नाम है हिमेटोलॉजी। सर, व्हाट इज द मीन ऑफ द हिमेटोलॉजी? हिमेटोलॉजी के बारे में सबसे पहले हम अगले 15 मिनट तक हिमेटोलॉजी के सबसे बेसिक चीजों के बारे में जाएंगे, जिनके बारे में आपको आना ही चाहिए, बेसिक चीजों के बारे में जाएंगे जिन्हें आपके बारे में आना ही चाहिए कि व्हाट इज दिस या व्हाट इज फिनोमिना ऑफ दिस। तो क्वेश्चन ध्यान से समझना, जो वर्ड मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, टुडेज टॉपिक ऑन द हिमेटोलॉजी। यस, हिमेटोलॉजी, हिमेटोलॉजी आपको एक बेसिक से लेके हाई लेवल का ज्ञान आपको दिया जाएगा, ध्यान से समझिए। चलिए, सबसे फर्स्ट नंबर पे आप सभी को पता होना चाहिए व्हाट इज द हिमेटोलॉजी। में सबसे पहले हिमेटोलॉजी के अंदर सबसे बड़ी चीज आती है, उसका नाम है ब्लड। हमारी बॉडी में क्या आता है बेटा? ब्लड। ब्लड सबसे पहली बात, ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है, और वो भी कौन सा बेटा? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। पहला क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विच टाइप ऑफ द सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू, सेमी सॉलिड या लिक्विड? तो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू में आता है ब्लड, पहला क्वेश्चन आपके सामने बन सकता है। दूसरा, सर ब्लड की पीएच कितनी होती है? ब्लड की जो पीएच होती है वो 7.35 से 7.45 के बीच में होती है। दूसरा क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट लेवल एग्जाम्स में पूछा जाता है, ब्लड की पीएच 7. और यदि इसकी पीएच में दिक्कत होती है तो मेरा रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस वाला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा यदि पीएच में डिफरेंस हो गई तो। दूसरा, सर ब्लड की पीएच कितनी होती है? 7.35 से 7.45 के बीच में होता है। सर तीसरा क्वेश्चन और क्या पूछा? ब्लड के बारे में बेसिक नॉलेज ये सबको होनी चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना कि क्या चीज है। थर्ड नंबर पे आता है कि हमारे टोटल बॉडी वेट का कितना परसेंट, हमारे टोटल बॉडी वेट का कितना परसेंट ब्लड बनाता है? 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट, टोटल बॉडी वेट का 8% हिस्सा, 8% वेट अकेला कौन रखता है बेटा? ब्लड रखता है। क्वेश्चन नंबर चार, मेल के अंदर, मेल में सुनना बेटा, क्वेश्चन नंबर चार आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन समझना बेटा, मेल और फीमेल दो वर्ड आते हैं कि मेल में ब्लड कितना होता है और फीमेल में ब्लड कितना होता है, क्यों? ध्यान से, मेल में जो नॉर्मली ब्लड होता है वो 5 से 6 लीटर होता है और फीमेल में जो ब्लड होता है वो 4 से कितना होता है 5 लीटर इन होल बॉडी के अंदर होता है। सर ऐसा क्यों, मेल में ज्यादा क्यों होता है, फीमेल में कम क्यों होता है? मैं आपको आंसर बता देता हूं, मेल में एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन को ज्यादा मात्रा में स्टिमुलेट करता है। इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन क्या काम करता है? RBC का फॉर्मेशन करता है, तो याद रखना ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन। तो आंसर में मेल में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है और फीमेल में 4 से लेकर 5 लीटर ब्लड होता है। अभी मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूं, अभी मैंने मेरा पार्ट तो स्टार्ट ही नहीं किया, बेसिक चीजें जो आपको आनी चाहिए। इन न्यूबॉर्न, यदि कोई बच्चा नया पैदा हुआ है, न्यूबॉर्न बेबी है, तो न्यूबॉर्न बेबी में कितना ब्लड, किस हिसाब से ब्लड होता है? 80 ml/kg ऑफ बॉडी वेट, बॉडी वेट का 80 ml/kg के हिसाब से ब्लड पाया जाना चाहिए। यदि बच्चा 1 किलो का है तो 80 ml, 3 किलो का है 240 ml, तो 80 ml/kg के हिसाब से बॉडी वेट के हिसाब से क्या पाया जाता है? न्यूबॉर्न में ब्लड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी बताइए ब्लड की कितनी होती है। सर स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके रेफरेंस में देखी जाती है?
स्पेसिफिक ग्रेविटी, ग्रेविटी स्पेसिफिक ग्रेविटी रेफरेंस टू वाटर के रेफरेंस में देखी जाती है कि वाटर से कोई चीज भारी है या वाटर से क्या है बेटा, अर्थात हल्की है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्लड, क्वेश्चन आया हुआ है कि ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, आपको आंसर में देना है बेटा 1.052 से 1.062। कितनी होती है बेटा 1.052 से 1.062 के अप्रोक्स होती है। आया भाई समझ में क्वेश्चन? तो क्वेश्चन आपके सामने क्या आ गया, वेरी गुड, वेरी गुड आफ्टरनून निधि। तो बेसिक ब्लड के बारे में बता रहा हूं। तो न्यूबॉर्न में ब्लड का क्या होता है बेटा 80 ml/kg के हिसाब से, और स्पेसिफिक ग्रेविटी ब्लड की कितनी होती है 1.052 से 1.062 के करीब होती है। दूसरा, ब्लड के अंदर, ब्लड में आयरन की क्वांटिटी कितनी होती है, क्वेश्चन आया हुआ है ब्लड में आयरन की क्वांटिटी कितनी होती है, और ब्लड के अंदर आयरन के अलावा ब्लड में आयरन की क्वांटिटी कितनी होती है और ब्लड में कॉपर की मात्रा कितनी होती है, ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, याद रखना। ब्लड में आयरन की जो क्वांटिटी होती है वो कितनी होती है, आप सभी को पता होना चाहिए, 50 से लेकर 150 μg/dL या μg/L बोल दो, डेसीलीटर के हिसाब से बोली जाती है। सर दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, सर कॉपर की क्वांटिटी कितनी होती है ब्लड में, आंसर में देना 100 से लेकर 200 μg/dL। मैं आपको एक वर्ड में बोल रहा हूं, सिर्फ मेरा लेक्चर पढ़ के चल जाना, हिमेटोलॉजी किसी बुक को पढ़ के मत जाना, क्रैश कोर्स का ये हिमेटोलॉजी का एक क्वेश्चन दुनिया के किसी भी जगह पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक लेक्चर पढ़ के चल जाना और एग्जाम दे के आ जाना, आपका सिंगल क्वेश्चन भी रह जाए तो। यस, तो ब्लड में कॉपर की मात्रा कितनी होती है 100 से लेकर 200 μg/L के अंदर पाई जाती है। सर ब्लड के अंदर ये कोई ब्लड है, सुनना बेटा, ये कोई ब्लड है, ब्लड में दो चीज आपको देखने को मिलती है, एक का नाम होता है, बेटा ब्लड में ब्लड सेल्स, और दूसरे नंबर पे आपके सामने क्या होता है बेटा प्लाज्मा, आप सभी को पता होना चाहिए ब्लड के टोटल ब्लड का 55% हिस्सा क्या बनाता है बेटा प्लाज्मा, और 45% हिस्सा कौन बनाती है बेटा सेल। ये बेसिक नॉलेज है जो आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट सर, ब्लड टोटल बॉडी वेट का कितना परसेंट बताता है, 8% ऑफ द टोटल बॉडी वेट का कौन बनाता है बेटा ब्लड, और इस ब्लड के अंदर 45% सेल होती है और 55% क्या होता है बेटा प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा के अंदर जो वाटर होता है वो कितना होता है, लगभग 91% के करीब प्लाज्मा में क्या होता है बेटा वाटर होता है। इसके अलावा प्लाज्मा में दूसरी चीज क्या होती है बेटा आपके सामने, प्रोटीन। प्लाज्मा में दूसरी चीज आपके सामने क्या होती है बेटा, प्रोटीन। ये प्लाज्मा प्रोटीन, दूसरी चीज क्या होती है आपके सामने प्लाज्मा में, प्रोटीन, और तीसरी चीज होती है अदर। तो प्रोटीन कितना परसेंट होती है प्लाज्मा में, 7%। कितना होती है 7%, तो 91 तो हो गया वाटर, 7% होगी प्रोटीन, और प्रोटीन में भी मेन कौन हो गई बेटा, एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन। क्या नाम हो गया बेटा, एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन, अर्थात दोनों प्रोटीन मेन किसके अंदर पाई जाती है प्लाज्मा में। सर तीसरी नंबर पे चीज क्या आ गया, अदर जो अदर सबस्ट्रेट है वो कितने परसेंट पाए जाएंगे, 1 से लेकर 2% किसमें पाए जाते हैं प्लाज्मा में, 1 से लेकर 2% क्या पाए जाते हैं अदर। तो सर ब्लड के अंदर 45% सेल हो गई, प्लाज्मा कितना हो गया, 45% सेल होगी, प्लाज्मा हो गया 55%, और प्लाज्मा में 7% प्रोटीन होती है, वाटर कितना होता है बेटा 91% होता है। सर यहाँ पर जब नाम आया है प्लाज्मा प्रोटीन का नाम आया, तो प्लाज्मा प्रोटीन की जो नॉर्मल रेंज होती है, प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है उसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 6.4 to 8.3 mg। कितनी होती है बेटा mg/dL टोटल प्रोटीन, जो 7% मैंने बताया है उसका एवरेज आता है 6.4 से लेकर 8.3 mg/dL। आपके सामने क्या पाई जाती है, आपके सामने प्लाज्मा प्रोटीन देखने को मिलती है। दूसरा क्वेश्चन कभी आ जाए सर मिलीग्राम या ग्राम, तो याद रखना g/dL, क्या बोलेंगे g/dL आपके सामने पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है कि सर इसमें प्लाज्मा प्रोटीन में दो प्रोटीन आपने बताई थी, एक का नाम था एल्ब्यूमिन और एक का नाम था ग्लोब्यूलिन। एक का नाम है एल्ब्यूमिन और दूसरे का नाम आपने क्या बताया था बेटा ग्लोब्यूलिन। क्या नाम है, ग्लोब्यूलिन। सर ये जो एल्ब्यूमिन है ये लगभग होता है 4.7 g/dL के हिसाब से होता है, और ये जो ग्लोब्यूलिन आपके सामने है ये लगभग 2.3 g/dL के हिसाब से होता है। इन दोनों का जो रेशियो होता है, इन दोनों का एल्बुमिन से ग्लोबुलिन का जो रेशियो होता है नॉर्मली कितना होता है बेटा 2:1। कितना होता है 2:1। वेरी गुड आफ्टरनून निधि एंड श्याम सुंदर, बेटा सब चीज समझ में आ रही है,
बेसिक बेसिक चीजें सब समझ में आ रही है आपको, हर लेक्चर को साथ के साथ में लाइव में लो, और लाइव में यदि कभी नहीं ले पाओ तो जरूर मेरे लेक्चर को देखिए बेटा, है ना। तो क्वेश्चन सुनना कि प्लाज्मा प्रोटीन टोटल रेंज क्या होता है 6.4 से 8.3, जिसमें एल्बुमिन डबल होती है ग्लोबुलिन की, एल्बुमिन डबल होती है बेटा किसकी, ग्लोबुलिन की। दूसरी चीज सर, आप जो ब्लड बता रहे हो, फंक्शन ऑफ ब्लड क्या है आपके सामने, फंक्शन ऑफ ब्लड क्या है, ब्लड का फंक्शन क्या है सर, ब्लड का फंक्शन क्या है सर, ब्लड का फंक्शन सबसे पहला फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। क्या नाम है बेटा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, गैस का क्या करना बेटा, ट्रांसपोर्ट करना, ब्लड का पहला फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेज। दूसरा, हमारी बॉडी के अंदर होमियोस्टेसिस बनाए रखना, होमियोस्टेसिस का मतलब होता है हमारी बॉडी के अंदर कितना ईसीएफ रहेगा, कितना आईसीएफ रहेगा, क्या इलेक्ट्रोलाइट्स रहेगा, बॉडी के फ्लूड को क्या रखना बेटा, मेंटेन रखना, होमियोस्टेसिस भी किसका काम होता है। तीसरा काम होता है इसका प्रोटेक्शन, तीसरा काम इसका क्या होता है साइंटिस्टो, प्रोटेक्शन। क्या नाम होता है बेटा, तीसरा काम इसका क्या होता है बेटा, प्रोटेक्शन, क्या होता है, प्रोटेक्शन सर, प्रोटेक्शन। तो पहला हो गया फंक्शन ऑफ ब्लड जो ट्रांसपोर्ट करता है गैस का, दूसरा होमियोस्टेसिस, और तीसरा नंबर पे क्या काम करता है, प्रोटेक्शन, क्या हो गया, प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन क्या चीज होता है, ध्यान से समझना कि प्रोटेक्शन किस तरह से सर, प्रोटेक्शन पहली बात, ब्लड के अंदर कुछ सेल्स पाई जाती है जिनका नाम होता है WBC, और ये WBC फेगोसाइट की तरह बिहेव करके हमारी बॉडी को फॉरेन सब्सटेंस से बचाती है। तो तीसरा फंक्शन आपके सामने क्या हो गया बेटा, प्रोटेक्शन, तीसरा फंक्शन आपके सामने क्या हो गया साइंटिस्ट, प्रोटेक्शन। सबको समझ में आ रहा है, ये तीन काम इसके सबसे पहले आपके सामने हो गए। सर आप सभी को पता होना चाहिए कि सबसे पहले हमने बोला कि 45% सेल पाई जाती है, और इस सेल में भी आप सभी को पता होना चाहिए तीन तरह की सेल होती है, पहली होती है RBC, दूसरी होती है WBC, और तीसरी का नाम होता है बेटा प्लेटलेट। क्या होता है बेटा, प्लेटलेट, क्या होता है, प्लेटलेट। तो पहले का नाम हो गया RBC, दूसरे का नाम हो गया WBC, तीसरे का नाम होगा प्लेटलेट। RBC का नॉर्मल वैल्यू 4.8 से 5.4 मिलियन, 4.8 से 5.4 मिलियन पर डीएल आपके सामने पाया जाता है। टोटल आरबीसी का काउंट कितना, 4.8 से आपके सामने कितना परसेंट हो गया, 5.4 मिलियन आपके सामने देखने को मिलता है। दूसरा आपके सामने, दूसरा सर डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी का कितना वैल्यू होता है, 4000 से 11000, कितना होता है नॉर्मल वैल्यू, 4000 से कितना होता है बेटा, 11000, 4000 से 11000 माइक्रो पर आपके सामने, 4000 से 11000 पर माइक्रोलीटर, पर माइक्रोलीटर, माइक्रो में है बेटा, किसमें है, माइक्रो में, याद रखना बेटा, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि पर माइक्रोलीटर में, किसमें होता है, पर माइक्रोलीटर, मिलियन पर माइक्रोलीटर। तीसरा आपके सामने प्लेटलेट का नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, सभी को पता है 3.5 लाख के अप्रोक्स होता है, जो कि रेंज होती है 1.5 से 4.5 लाख पर माइक्रोलीटर। ये नॉर्मल वैल्यू होगी किसकी बेटा, प्लेटलेट की, किस वैल्यू होगी, प्लेटलेट की वैल्यू आपको देखने को मिली। एक सेकेंड बच्चों,